भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं दीघा के विधायक संजीव चौरसिया ने भाजपा के देशव्यापी बजट पर चर्चा किया। यह चर्चा सगुना मोड़ स्थित हाईटेक अस्पताल के सभागार में किया गया। इस प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संतोष पाठक एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनामिका सिंह मौजूद थी। इस प्रेस वार्ता में मंडल अध्यक्ष गुड्डू सिंह, भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी नीतीश कुमार व बाट पार्षद राजेश सिंह, भानु सिंह, टुनटुन, नवनीत सहित भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर चौरसिया ने कहा कि आपको ज्ञात है कि जो बजट केंद्र का पारित हुआ है वो अपने आप में एक अस्थायी बजट देने का काम है। निश्चित तौर पर इस बजट के माध्यम से जो अस्थायित्व प्रदान होगा कि हम अमृत काल महोत्सव की दृष्टि से 75 वर्ष के बाद 100 वर्ष तक आगे 25 वर्ष के अस्थायित्व अलग अलग सेक्टर में कैसे प्रभावशाली भूमिका भारत का रहे, ताकि भारत विश्व गुरु की ओर जो बढ़ रहे कदम है, जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के साथ साथ मदर ऑफ डेमोक्रेसी इस विश्व का आर्थिक तंत्र में भी उतनी संपन्नता भारत को आगे बढ़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। याद है कि विश्व भर के 5वें स्थान पर आर्थिक उन्नति की दृष्टि से भारत उभर कर आया है। जहां वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो जो विकास दर है सभी देशों का कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार का कम होने का काम हुआ है, और भारत वही 7% का विकास दर छूने का काम किया है। ये अपने आप में बड़ी सफलता है। G20 के माध्यम से भारत का अध्यक्षता का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलने का काम हो रहा है, और उनके नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता होने वाली है जो चल रहा है। भारत में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी है, तो स्वाभाविक रूप से इस लोकतंत्र के धरती पर आर्थिक तंत्र की संपन्नता भी लोग आकर देखने का काम करेंगे। सड़क, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, हॉस्पिटल, यानी कि सब में तो डेवलपमेंट होगा, साथ साथ रोजगार सृजन का भी एक बड़ा लाभ मिलेगा। इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार जो मिलेंगे तो एक बड़े अवसर को आयाम देने के लिए काम मिलेंगे। 2014 में जो आय प्रति व्यक्ति था वो लगभग दोगुना हो चला है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण ही है कि एक प्रावधान के तहत आर्थिक प्रबंधन के कारण ही देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे योजनाओं पे जाएंगे तो कृषि से संबंधित, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित ऐसे बहुत आंकड़े हैं, पर जहां बिहार के परिप्रेक्ष्य में नजर दौड़ाएंगे तो वहां जो सबसे बड़ा लाभ हमको बिहार के अपतु देश में भी जो 7 लाख की कर छूट का जो प्रावधान हुआ है, आपको ध्यान में रहे कि लगभग 8.20 करोड़ करदाता इस देश के अंतर्गत है जो 7 लाख से कम कमाते हैं, यानी कि 90% जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको 7 लाख से कम का जो छूट दी गई है, उन लोगों को मध्यम वर्गियों को बहुत बड़ा लाभ इसके माध्यम से मिलने वाला है। अभी एक डेटा अपने लोगों के समक्ष आया है तो उसको भी आपको बता दें कि कोई व्यक्ति अगर 100 रुपया टैक्स के रूप में देने का काम करता है तो केंद्र उसको कितना लौटाने का काम करती है। तो पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा केंद्र अगर लौटाने का काम राज्य को करती है तो वो उस राज्य का नाम सबसे ज्यादा लौटता है। लगभग और भी राज्य हैं पर कुछ राज्यों में ज्यादा का क्रम का है तो वो बिहार है, जिसमें से 100 रुपया में 922 रुपया लौटने का काम राज्य की ओर होता है। वहीं आप देखेंगे महाराष्ट्र में तो मात्र 7.7 रुपया लौटता है, कर्नाटक में मात्र 13.90 रुपया लौटता है, यानी कि भारत सरकार उतनी बड़ी मात्रा में लौटाने का भी काम करती है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि केंद्रीय करों की दृष्टि से वो आंकड़ा अगर निकल कर आता है तो 102735 करोड़, यानी कि 1,02,735 करोड़ की जो राशि मिली है। ऐसे बहुत सारे आंकड़े आपके समक्ष दिए गए हैं,
कृषि से संबंधित 20 लाख करोड़ के ऋण का जो प्रावधान इस देश के लिए किया गया है उसका लाभ बहुत ज्यादा बिहार में मिलने वाला है। निषाद समाज के लिए 6000 करोड़ का जो ऐलान किया गया है पूर्ण कल्याण के लिए, उनके पूर्ण कल्याण के लिए जो 6000 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है उसके उपयोग के लिए भी सबसे ज्यादा लाभ अगर मिलेगा तो वो बिहार के लिए मिलेगा। मोटे अनाज के लिए इंटरनेशनल मिलेट्स डे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है तो बिहार में वास्तव में इसकी उपयोगिता, इसके चलन जो रहा है वो और गति से बढ़ने का काम होगा। ज्वार के क्षेत्र में हो, बाजरा का हो, रागी हो, कद्दू हो, रामदाना हो, बहुत सारे ऐसे विषय हैं। फिर प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो स्कीम बिहार में 80 लाख किसान योजना का लाभार्थी है उसका भी लाभ हमको बजट के माध्यम से मिलने का काम होगा। हम कॉपरेटिव सेक्टर का अगर ध्यान देंगे तो कॉपरेटिव सेक्टर का बड़ा लाभ जो मिलता है इस देश के अंतर्गत, तो जो करों में 50% की छूट दी गई है, जहां कर 30% होते थे वहां उनके 15% ही मात्र देने का काम होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ध्यान देंगे तो 10,48,591 मकान लगभग निर्मित हुए हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में 2021-22 में 5,30,255 मकान निर्मित हुए हैं। तो 500 आकांक्षी जिले हैं जो जिसके अंतर्गत प्रखंडों के विकास के अलग अलग आयाम तय करने वाले हैं, जिसमें से 61 प्रखंड बिहार के भी हैं, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, महिला, बाल पोषण, उच्च श्रेणी के शिक्षा, लाभकारी कृषि योजना, ये सब उसके माध्यम से चलने वाला है। रेल के बजट में देखेंगे 2.41 लाख करोड़ का जो प्रावधान है तो कहीं न कहीं बिहार को सबसे ज्यादा लाभ इसलिए मिलेगा कि सबसे ज्यादा रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का डेवलपमेंट अगर कोई है तो उस राज्य का नाम बिहार है, इसका भी लाभ हमको निश्चित तौर पर मिलेगा। और अमृत भारत स्टेशन जिनमें 17 स्टेशन बिहार के लिए गए हैं वो तदनुसार मुजफ्फरपुर, धौली, रामदयालुनगर, बरौनी, हाजीपुर, खगड़िया, मानसी, नवगछिया, दलसिंहसराय, सोनपुर, लखमिनिया, शाहपुर, महेशपुर, दिघवारा, साहेबपुर, कमाल, भगवानपुर, बेगूसराय, ये सब चिन्हित किए गए हैं बिहार की दृष्टि से, जिसके अंतर्गत रूफटॉप प्लाजा, सिटी सेंटर, अलग अलग विषय पर इस पर प्रधान 5G सेवा मुफ्त मिलने का काम होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव सोच रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बिहार में इस स्थान से आगे बढ़ने का काम होगा। इको टूरिज्म के दृष्टि से भी बिहार के स्थानों को चयन किया गया है और 47 लाख युवाओं को अगले 3 वर्षों तक राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना का भत्ता मिलेगा, जिसमें बिहार को सबसे बड़ा लाभ मिलने का काम है। मित्रों, हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी 81 लाख का लक्ष्य जो रखा गया है उसमें बिहार का भी एक सफल आयाम लेने का काम होगा। और Tier 1, Tier 2 सिटीज में जो सम्मिलित किए गए हैं इन शहरों के भी विकास के आयाम चलने का काम होगा, जिसमें 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर इन क्षेत्रों को किया गया है। यानी कि जिनके विकास के आयाम दिखा नहीं देते हैं ताकि उनके लिए है कि बिहार के लिए केंद्र ने किन प्रावधानों को देने का काम किया है वो आपके समक्ष हमने प्रस्तुत करने का भी काम किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त भारत, बढ़ता हुआ भारत, समृद्ध भारत आगे बढ़ने का काम हो रहा है। उस दृष्टि से बहुत सारे आयाम को छूते हुए पहलुओं को सुदृढ़ कोविड के बाद व्यवस्था के साथ आर्थिक मैनेजमेंट को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ठीक करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, यानी कि उनके नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया है, तो आपको बता दो तीन विषय प्रमुख रूप से है कि बिहार के जो लाभ अपने को मिलने का काम हुआ है उसमें से हमको अलग अलग प्रकार से जब ध्यान देंगे तो हम बिहार के लिए जो हमको बड़ी विरासत मिली है
उसमें से 1,02,735 करोड़ रुपया मिलने का काम हुआ है। साथ ही साथ जो किसान ऋण के संबंधित 20,00,000 करोड़ बिहार को यानी कि देश को जो दिया गया है तो सबसे ज़्यादा लाभ बिहार को मिलने का काम होगा। 6,000 करोड़ रुपया निषाद समाज के लिए जो प्रावधान के रूप में दिया गया है यानी कि उनके कल्याणार्थ के लिए पूर्ण कल्याणार्थ के लिए उसका भी अधिकांश लाभ बिहार को मिलने का काम होगा। वहीं किसान से संबंधित हो, कोऑपरेटिव से संबंधित हो, यानी कि ऐसे अनेक पहलुओं को छुआ गया है। अमृतकाल स्टेशन जो 17 स्टेशन सम्मिलित किए गए हैं बिहार के दृष्टि से अलग अलग आयाम को, उसका भी लाभ बिहार को मिल रहा है। तो वो तो डेवलपमेंट होगा ही, साथ साथ रोजगार का भी सृजन उसके माध्यम से होने वाला है। यानी कि बिहार को एक बड़ा लाभ, कोई व्यक्ति अगर कर के रूप में 100 रुपया देता है तो 922 रुपया प्रांत को दे दिया जाता है केंद्र की तरफ से। ये राशि सबसे बड़ी अपने आप में है, जहाँ महाराष्ट्र को मात्र 7.7 रुपया मिल पाता है, कर्नाटक को 12 या 13 रुपया ही मिल पाता है, वहीं बिहार को 922 रुपया के रूप में रिफ्लेक्शन के रूप में यहाँ लौट कर आता है। तो योजनाओं का लाभ आज बिहार के जो भी विकास कार्य को आयाम मिल रहे हैं कहीं न कहीं केंद्र के दी हुई राशियों से ही मिलने का काम हो रहा है, जो बहुत सारी योजना में राशि का प्रावधान होता है। आज बिहार के लिए साथ साथ रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिले हैं केंद्र को, उसमें बिहार को भी लाभ मिलेगा। निषाद समाज को जो मिला है बिहार को लाभ मिलेगा। कृषि से संबंधित है, जहाँ 67% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर, वो भी बिहार को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के दृष्टि से अगर देखेंगे तो 15 लाख से भी ज़्यादा जो आवास मिलने का काम हुआ है और भविष्य में मिलने का काम अगर बिहार को ही मिला है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान जो हुए हैं वो आपके माध्यम से जनता को बताने का काम करते हैं। जो बजटीय प्रावधान हुए हैं उन बजटीय प्रावधान को अक्षर स हमने बताने का काम किए हैं कि किन किन बिंदुओं पर बिहार को लाभ मिलने का काम हो रहा है। तो शायद मुख्यमंत्री जी अपने वित्तीय प्रबंधन को ठीक करने का काम करें तो उनके विकास के चश्मा दिखाई दे कि केंद्र विकास के पैमाने पर बिहार को किस रूप देखने का काम करती है। आज जो विपक्ष का सापेक्ष की भूमिका नहीं है, विपक्ष केवल अपने आप में विपक्ष की भूमिका को अदायगी कर रही है। जो मैंने कहा कि विकास के आयाम इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद जी ने जो विकास के आयाम को बंद कर दिया था बिहार में, आज उसी पैटर्न को तेजस्वी में बढ़ा रहे हैं और साथ साथ संगत से संगत का गुण आवे तो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को भी वही गुण आ गया है कि विकास का कोई भी आना उनको दिखाई नहीं देगा। विकास के अगर आईने का प्रतिबिंब कोई इस देश में है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो बिहार के बहुत सारे पैमानों को विकास और विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम किया।